देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर निचारखंड कांग्रेस कमेटी ने भावानगर में रोष रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भावानगर स्थित बिजली बोर्ड के परिधि गृह में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा देश की उन्नति के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डालकर उनके दिखाए पदचिन्हों पर चलने की शपथ ली। उसके बाद किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी की अध्यक्षता में बिजली बोर्ड के परिधि गृह से स्थानीय बाजार तक रैली निकालकर देश में निरंतर बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल पूरी तरह असफल रही। आज जहां प्रदेश में विकास की रफ्तार पूरी तरह थम गई है, वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि हमारे भारत के शहीद स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो पूर्व के प्रधानमंत्री रहे देश के, आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्होंने जो हमें संघर्ष का रास्ता दिखाया था उस पर चलते हुए आज हमने निचार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो आयोजन यहाँ महंगाई के विरुद्ध जो रैली निकाल करके आयोजन किया था, इस आयोजन में भाग लिया, जिसमें देश में बढ़ती हुई जो महंगाई पेट्रोल 110 के पार, डीजल 100 के पार, सिलेंडर 1100 के पार और रेत जो हमारा जो रेत का जो रेत तो मिलते ही नहीं है किन्नौर में, वो बंदी कर दिया इन लोगों ने, सीमेंट 550 के पार और शरिया जो 9000 रुपये क्विंटल के पार जो पहुंचा है और खाने का तेल सरसों का तेल 200-250 के पार, इन चीज़ों को लेकर के जो है तो एक बड़ा बहुत बड़ा रैली का आयोजन यहाँ पर किया और हम लोग गांव-गांव घर-घर जा कर के इस महंगाई का जो मुद्दा है इसे हम किन्नौर के हर घर जा कर के इसको पहुँचाएँगे, इसलिए हमने रैली का आयोजन किया। जय हिंद।